अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर 1 रिकॉग्नाइज बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम, डिफाइन नंबर सिस्टम विद बेस 2, 5, 8 एंड 10, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम के मुताबिक कोई भी नंबर 10 डिजिट्स 0, 1, 2, 3 अप टू 9 से मिलकर बनता है। ऐसे नंबर्स को न्यूमेरल्स कहा जाता है और ऐसे न्यूमेरल्स को अरेबिक न्यूमेरल्स का नाम दिया जाता है। तो बच्चों, नंबर सिस्टम को समझने के बाद अब हम बात करेंगे बेस क्या होती है और डिफरेंट नंबर सिस्टम में बेस का क्या काम है। इसी तरह हम नंबर सिस्टम को डिफरेंट बेसिस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बेस का मतलब होता है कि किसी नंबर में कितने डिजिट मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बेस 2 है तो इसका मतलब है उसमें 2 डिजिट हैं। बेस 5 है तो इसका मतलब है उस नंबर में 5 डिजिट्स हैं। अगर बेस 10 है तो इसका मतलब होगा कि उस नंबर में 10 डिजिट्स हैं। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम विद बेस 2। इसका दूसरा नाम बाइनरी सिस्टम भी है। इसमें 2 डिजिट हमारे पास होते हैं, 0 और 1। तो मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास बेस 2 है तो हमारे पास 2 डिजिट होंगे। अब ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हमारे पास बेस 2 है तो इसमें हमारे पास 2 डिजिट हैं, 0 और 1, और मैंने बताया कि इनको हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं। बाइनरी का मतलब 2 होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होती हैं। मैं यहाँ पे आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ, 0 का मतलब ऑफ होता है कंप्यूटर में और 1 का मतलब ऑन होता है। अगला नंबर सिस्टम हमारे पास है जिसकी बेस 5 है, तो इसमें 5 डिजिट होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपके पास 4 होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उसकी बेस 8 है और इसका दूसरा नाम ऑक्टल सिस्टम भी है। इसमें जो नंबर इन्वॉल्व होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 7 है। डेसिमल नंबर सिस्टम, जिस तरह हमने अपने लेक्चर के स्टार्ट में बात की कि हम अपनी जो रोजमर्रा जिंदगी में जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर्स में 10 डिजिट्स होते हैं जो 0 से शुरू होकर 9 तक चलते हैं। उम्मीद है कि आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम्स की समझ आ गई होगी। इसको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका जवाब है 7। शाबाश। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन, यानी हम एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 2 नंबर सिस्टम में चेंज करना सीखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम इनकी कन्वर्जन किस तरह से करते हैं, कि एक नंबर को किसी दूसरे नंबर में या एक नंबर सिस्टम में से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको यह करना है, फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी डेसिमल नंबर को बेस 2 वाले नंबर सिस्टम में चेंज करना है तो आपने जो पहली क्लासेस में स्मॉल डिवीजन सीखी थी तो आपने उस नंबर को 2 पे डिवाइड करना है। और अगर आपने बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 5 पे डिवाइड करेंगे। यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। हमारे पास जो नंबर है डेसिमल नंबर वो 541 है।
अब अगर आप इसके सोल्यूशन की तरफ देखें तो ये जिस तरह की डिवीजन आपको नजर आ रही है, ये इसको हम स्मॉल डिवीजन कहते हैं। ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में या शुरू वाली क्लासेस में इसको सीखा था, लेकिन इसका यहाँ पे दोबारा से फिर यूज हमारे सामने है। अब हमने कन्वर्ट करना है बेस टू के नंबर सिस्टम में। तो 541 को सबसे पहले हमने 2 पे डिवाइड किया, 5 आपका 2 पे डिवाइड होगा तो 4 तक हम जाएंगे, 2 to the 4, 1 कैरी करेंगे, नेक्स्ट नंबर 14 बना, 14 को 2 पे डिवाइड किया तो 7 आंसर आएगा और फिर हमारे पास 0 बचेगा। मीन डैट कि अगर हम 541 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 270 और 1 कैरी हो जाता है। लाइक 270 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 540 और एक जो बचता है उसको हम डैश डाल के लिख देंगे जिस तरह आपके सामने आपको नजर आ रहा है। फिर हम दोबारा इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, अब 270 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 0 बचेगा। इसी तरह 135 को 2 पे डिवाइड किया तो 67 पूरा पूरा डिवाइड हुआ और 1 बच गया, उसको हमने डैश के डाल लिख दिया। इसी तरह 67 को फिर 2 पे डिवाइड किया, 33 पूरा पूरा डिवाइड हुआ और 1 आगे कैरी हो गया। इसी तरह 33 16 डैश 1, फिर जब हमने 16 को 2 पे डिवाइड किया तो वो पूरा पूरा डिवाइड हुआ, 8 आया और कुछ भी बाकी नहीं बचा, तो इसलिए हमने डैश डाल के 0 डाल दिया। इसी तरह 4, इसी तरह 2 और इसी तरह 1। तो आपने यहां पे एक बात नोट करनी है कि अगर नंबर का कोई रिमाइंडर या बाकी बचता है तो उसको हमने डैश डाल के लिख देना है, और अगर वो पूरा पूरा तकसीम होता है तो डैश डाल के हम 0 लिखेंगे। और अगर आप इसको 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास रिमाइंडर या बाकी जो बचेगा वो सिर्फ 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया, अब हम देखेंगे कि इसको हम बाइनरी नंबर में लिखेंगे कैसे। आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन का सलूशन मौजूद है उसमें आपको 2 एरोज नजर आ रहे हैं, एक एरो आपका लेफ्ट टू राइट चल रहा है और एक आपका बॉटम टू अप चल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका नंबर जहां पे एंड हुआ था वहां से आपने शुरू करने हैं उसके रिमाइंडर्स लेकर, लाइक 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 1 1 0 और 1, इन सारे रिमाइंडर्स को आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है और इसके बाहर 2 लिख लेना है, तो ये हमारी कन्वर्जन हो जाती है डेसिमल से बाइनरी में। उम्मीद है आपको डेसिमल से बेस 2 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि डेसिमल से बेस 5 में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम अपनी अगली कन्वर्जन को देखें तो उसमें हमने एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बेस 5 में। तो हमारे पास एक एग्जांपल में जो नंबर दिया गया है वो 89651 है और इसको हमने बेस 5 पे डिवाइड करना है या बेस 5 में कन्वर्ट करना है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब भी डेसिमल नंबर को किसी और नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना है तो हम उसी बेस पे उसको डिवाइड करते हैं अपने डेसिमल नंबर को जिस बेस में हमने कन्वर्ट करना है। बाइनरी में हमने 2 पे कन्वर्ट डिवाइड किया था, अब अगर हमें बेस 5 में इसको कन्वर्ट करना है तो अब हम अपने इस नंबर को 5 पे डिवाइड करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन का सलूशन नजर आ रहा है उसमें हमारे पास जो नंबर है 89651 उसको हमने सबसे पहले 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 बाकी बचा, फिर दोबारा डिवाइड किया तो 0 बाकी बचा, फिर डिवाइड किया तो हमारे पास 717 आया और 1 बाकी बच गया। इसी तरह 717 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो 143 आया और 2 बच गया, और 143 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो 28 और 3 हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर आया। इसी तरह 28 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो 5 और 3 रिमाइंडर बचा। मीन 28 से 5 कैसे आया, 5 को अगर 28 पे डिवाइड करें तो 5 5 25, बाकी 3 बच गया, उसको हमने बाकी या रिमाइंडर के तौर पर डैश डाल के लिख दिया। और फिर 5 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया तो 5 1 5, बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचता इसलिए हमने 0 लिख दिया। जिस तरह हमने बाइनरी नंबर में बॉटम से शुरू किया था
और ऊपर की तरफ गए थे जो बाकी बचे थे डैशेस के बाद वाले नंबर्स को लेके चले थे। इसमें भी हम डैशेस के बाद वाले नंबर्स को लेके चलेंगे, लेकिन आखिरी नंबर जो 1 है उसको भी हम साथ शामिल करेंगे। तो ये आपके पास आएगा 1 0 3 3 2 1 0 1। तो इसको आपने ब्रैकेट पे लिखकर बाहर 5 लिख देना है, तो ये डेसिमल नंबर आपका बेस 5 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अब हम डेसिमल को बेस 8 यानी के ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सिमिलरली हमने अगर अपने किसी डेसिमल नंबर को बेस 8 यानी के ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हमें जो भी नंबर दिया जाएगा हम उसको 8 पे डिवाइड करेंगे। मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो 5 पे डिवाइड करेंगे, बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो 8 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो था A24 को हमने बेस 8 में कन्वर्ट करना था, तो अगर आप सॉल्यूशन में देखें हम इसको 8 पे डिवाइड कर रहे हैं। A24 को जब हमने 8 पे डिवाइड किया तो 103 पूरा पूरा डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, इसलिए हमने डैश डाल के 0 लिख दिया। 103 को जब हमने 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 12 पूरा पूरा डिवाइड हुआ और बाकी 7 बचा, वो हमने डैश डाल के लिख दिया। इसी तरह 12 को हमने जब डिवाइड किया 8 पे तो बाकी 4 बच गया। अब उसी तरह जो हमारे पास, हम बॉटम से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे और सिर्फ आखिरी 1 और बाकी डैशेज वाले नंबर लेंगे, यानी कि ये लिखा जाएगा 1 4 7 0। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और ब्रैकेट डाल के साइड पे राइट साइड के थोड़ा सा नीचे करके हम लोग 8 लिख देंगे, तो ये डेसिमल नंबर हमारा बेस 8 में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल से डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करना सीखने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, हमारा सही आंसर है 11। शाबाश। अब ये तो हमने सीख लिया कि डेसिमल से हमें किसी और बेस में अगर चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। अब हम सीखते हैं कि किसी और नंबर सिस्टम में अगर हमारे पास नंबर है या किसी और बेस में हमारे पास नंबर है उसको अगर हमने डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे। उसके लिए एक सीधा सीधा रूल है कि आपने एक रिवर्स सिस्टम के तहत चलना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बाइनरी से डेसिमल में जाना है या बेस 5 में डेसिमल से जाना है या बेस 8 पे डेसिमल में जाना है, तो ये कन्वर्जन हमारी डेसिमल में किस तरह से होगी। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपने बाइनरी नंबर की। हमारे पास एक कन्वर्टेड बाइनरी नंबर है 1101 और इसकी बेस जिस तरह बाइनरी नंबर हम बोल रहे हैं 2 होगी। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। तो आप अपने सॉल्यूशन की तरफ देखें तो आप नोट करेंगे कि टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हैं इस बाइनरी सिस्टम में, 1101 4 है। तो हम जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाला नंबर है 1 उसको लेंगे और बाकी जो हमारे पास 3 डिजिट हैं तो हम 2 की पावर 3 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर अगला नंबर लेंगे 1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 के साथ, फिर अगला नंबर 0 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 के साथ, फिर अगला नंबर 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 के साथ। तो यहां पे आप की आसानी के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिस नंबर से आप शुरू करें उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर बचे वो उसकी पावर में लिख लें, जो भी आपकी बेस है। यहां पे बाइनरी नंबर है तो बेस 2 होगी, अगर बेस 5 है तो बेस में 5 आ जाएगा। अब आप इसको मैथमेटिकली अगर सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 आपके पास 8 बनेगा, 2 की पावर 2 4 बनेगा, 2 की पावर 1 2 बनेगा और 2 की पावर 0 1 होता है। तो यहां पे आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आता है। तो 13 जो है वो हमारा डेसिमल नंबर है और ये हमारा बाइनरी नंबर से कन्वर्ट हुआ था। अब हमने बेस 5 से डेसिमल नंबर में जाना है।
तो आपने याद रखना है कि जिस तरह हमने बेस 2 में कन्वर्ट करते हुए बेस 2 की पावर में लिया था, और अब यहाँ पे जब हमने बेस 5 लेना है तो बेस में हम 5 रखेंगे और इसकी पावर में वो नंबर लेंगे जो बाकी बचते हैं। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ देखें, 413242 की बेस 5 का एक नंबर है हमारे पास, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी बात को दोबारा रिपीट करूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 413242, 6 नंबर्स हैं। मैं इसको 4 से शुरू करता हूँ, मैंने 4 लिखा, मल्टीप्लाई, बाकी कितने नंबर हमारे पास बचे? 5, तो हम 5 की पावर में 5 लिखेंगे। हम बेस में 5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास बेस 5 है। फिर अगले नंबर के लिए प्लस करेंगे, अगला नंबर 1 है, बाकी नंबर हमारे पास कितने बचे? 4, तो 5 की पावर 4, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। तो इस तरह से आपने उसको सॉल्व किया। अब आपने 5 की पावर 5 लेनी है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह बाकी सारा सॉल्यूशन आपने बनाना है, और एंड पे जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास नंबर आता है 13572, और ये आपका डेसिमल नंबर है। अब हम बेस 8 से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, वही प्रोसेस। बाइनरी में बेस 2 रखते हैं, बेस 5 में बेस 5 रखते हैं, और ऑक्टल सिस्टम या बेस 8 में हम लोग बेस 8 लेते हैं। तो आप इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर देखें तो हमारे पास नंबर है 126 और इसकी बेस 8 है। मैंने पहले 1 लिखा, मल्टीप्लाई, बेस 8 लिखी, बाकी कितने डिजिट बचे? 2, और 8 की पावर में 2 लिख दिए। प्लस अगला नंबर 2 है, मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। आखिरी नंबर के लिए मैं 8 की पावर 0 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास और कोई नंबर ही नहीं बचा। अब मैंने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करके ऐड किया तो मेरे पास 86 आंसर आया। तो ये जो 86 आंसर है ये मुझे बताता है कि मैंने बेस 8 से बेस 10 में कन्वर्ट किया, यानी कि डेसिमल नंबर बना लिया। तो इस लेसन में आपने सीखा कि हम डेसिमल नंबर से किस तरह किसी और सिस्टम में चेंज करते हैं, और अगर किसी और नंबर सिस्टम में हमारे पास नंबर है तो उसको हम किस तरह से डेसिमल में चेंज करते हैं। उम्मीद है आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम डेसिमल से बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब आप अपनी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।